hello students today we have discussed next important topic difference between plant cell and animal cell before we start lecture are you already studied cell and how many types of cell as you know cell is the structural and functional unit of our body there are two type of cell prokaryotic cell and eukaryotic cell प्रोमीन्स प्रीमिटिव कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस आपके प्रीमिटिव हों वेल डेवलप्ड ना हों वह आपके प्रो कैरियोटिक सेल में आएंगे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लूगिन एलगी यू कैरियोटिक यू मीन्स ट्रू कैरियऑन मीन्स न्यूक्लियस यानी ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हों वह आपके यू कैरियोटिक सेल कराएँगे एक्सेप्ट ब्लूगिन एलगी एंड बैक्टीरिया all the cells are eukaryotic so in these slides we discuss about plant and animal cell both are eukaryotic cell some major differences between plants and animal cell now discuss one by one in this diagram we see the plant cell and animal cell in the center of plant cell लार्ज वैक्यूल्स आर प्रजेंट बट इन एनिमल सेल आपके जो वैक्यूल्स होंगे स्मॉलर इन साइज होंगे प्लांट सेल में आप सेंटर में देखेंगे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपका शिफ्ट हो जाता है पेरीफरी साइड्स में जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं आपके सेंटर पे पाए जाते हैं वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस बट it animal cell plastids are absent so let us start difference between plants and animal cell in plant cell one of the most important difference cell wall is present in animal cell cell wall is absent cell wall is basically made up of cellulose और यह सिल्लो जोगा सबसे सेल की आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और सेल के शेप का निर्धारण करती है सेकेंड डिफरेंसेस प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट अपसेंट इन एनिमल सेल प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रजुद्ध होते हैं जिसके कारण वो प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थर्ड डिफरेंस सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स आर अब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो होते हैं आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में आपके अब्सेंट होते हैं इन प्लांट सेल वैक्यूल्स जो होते हैं लार्जर होते हैं और लेस होते हैं मतलब उनका नंबर जो होता है कम होता है वाइल इन एनिमल सेल वैक्यूल्स स्मॉलर होते हैं और इनके नंबर्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल के इन प्लांट सेल न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड न्यूक्लियस आपका चूंकि सेंटर में आपका वैक्यूल्स होता है जिसके कारण न्यूक्लियस जो होगा आपका पेरीफरी की तरफ आपका मूव कर जाता है जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वह आपके सेंटर में होते हैं प्लांट सेल जो होती है रिजिड होती है क्योंकि यहाँ पर आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसके कारण प्लांट्स सेल जो होगी रिजिड, रिजिड होगा जबकि एनिमल सेल जो होते हैं आपकी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि वहां पर आपका आउटर जो लेयर है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑफ लाइपोप्रोटीन प्लांट सेल में जो गोलगी ऑपरेटर्स होता है गोल्गी ऑपरेटर्स को हम यहां पर बोलते हैं डिक्टियोसोम और एनिमल सेल में वह वेस्किल्स के रूप में आपके मौजूद होते हैं प्लांट सेल का अगर हम कंपेरिजन करें एनिमल सेल से तो प्लांट सेल की साइज़ जो होती है वो आपकी लार्जर होती है और एनिमल सेल की जो साइज़ होती, होती है वो आपकी स्मॉलर होती है प्लांट सेल अपना फूड स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च वाइल एनिमल सेल अपना फूड स्टोर करते हैं इन दि फार्म ऑफ ग्लाइकोजन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जितने भी प्लांट सेल्स हैं उस प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है सेल डिवीजन में जो आपका साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आपका सेल प्लेट के थ्रू होता है जबकि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो होता है आपका सेल फरो के थ्रू होता है डेट इज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफ्रेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल Thank you.